क्या बताते हैं। साथियों, आज हमें जरूरत है इस सेफ जैसे बैनर की। पूरे देश में मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक सबको एक संगठन के नीचे काम करने की। आज जो हमारे देश का हालात है वो हमारे कर्मचारी के बिल्कुल विपरीत है। कर्मचारी का हितों को दबाया जा रहा है, उनकी मांगों को दबाया जा रहा है। बस आपको एक सपना दिखाया जाएगा कि शरद पवार आज इतना मार दिया, कल उतना मारेंगे। इससे आगे कुछ नहीं है, हमें अपने पेट की तरफ देखना है। अगर हमारे पेट की भूख नहीं मिटती है तो हमारे लिए सब चाक चौबंद पर जितनी रोशनी है वो बेकार है। आज दीपावली का मौका आने वाला है, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार पे कुछ लोग तथा कथित जो सरकार के चाकलू जो है चापलूसी करके उनके उनकी टेबल पे पोछा मार के अपना बोनस करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये स्वायत्त संस्थान, ये इतनी बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी आज क्यों निर्धारित है इससे? दोस्तों, ये है, हम काम करते हैं वो चापलूसी करते हैं। अगर दीपावली उनकी रोशन हो सकती है तो हमारी काली क्यों है? यहाँ एक सवाल है। आप कहते हैं सबका विकास सबका साथ, आप कहते हैं कि एक देश एक इलेक्शन, हम कहते हैं एक कर्मचारी एक हित, क्यों नहीं किया जाता? आज हम लोगों को समूह में बांट दिया है। किसको बोनस मिलेगा, उसको आचार्य मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसकी 60 साल कर देंगे, उसकी 30 साल कर देंगे। साथियों, एक धोखा है, छलावा है। जैसे आदमी कभी कभार अपने साय से खुद डर जाता है, वो शासक मेरे पीछे बहुत बड़ी बुलाह लगी हुई है। नहीं दोस्तों, आपकी ताकत इस पार्लियामेंट को हिला सकती है, कर्मचारी को हित को दिला सकती है। बस जरूरत है आपको एक मंच पर आने की, अपने हक की मांग रखने की। और आज वो समय आ गया है जब कर्मचारी पूरे देश में जागरूक हो चुका है। और इन मेज तख्त बनने वालों ने, ये लाल फीता शाही आज जो बैठा एक कमरे में अपने लिए, अपने हितों के लिए कानून पास करा लेते हैं। साथियों, याद रखो, अगर इसी तरह सड़कों पर आ गए तो एक दिन ये भी सड़क पर आएंगे और आप लोगों से पूछेंगे बोल बंदे तेरी क्या रजा है, और आपकी डिमांड को ये मजबूरन पास करेंगे। साथियों, आज जिस तरह से मैं बड़ी खुशी हो रही है, और खुशी के साथ साथ ये भी हो रहा है कि जितनी तादाद में हमें आना चाहिए था हम उसकी तादाद में नहीं आए, उसके दो कारण हैं। एक तो हमारा त्योहार है जिसकी तैयारी में लगे हैं, दूसरा अभी तक हमारे जो संगठन है वो अपने अहम को नहीं छोड़ पाए, अपने आकाओं को नहीं छोड़ पाए। उत्तर मैसेज पहुंच गया और वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। बस आप तैयार हो यानी बुलाने के लिए। अगले दिसंबर में जैसे प्रेम जी ने अनाउंसमेंट किया है, मुझे उम्मीद है कि पूरे देश से तन मन बल दल के साथ में ये पार्लियामेंट स्ट्रीट आपके नारों से गूंज उठेगी और इन्हें मजबूर होकर आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। साथियों, एक जैसे आता है मायूसी का दौर नहीं है, मायूसी फैलाई गई है। जब बरसात आती है तो पक्षी अब अपना आश्रम ढूंढते हैं, लेकिन पांच बादलों से ऊपर जाकर बारिश को नकार देता है और अपनी उड़ान भरता है। समस्याएं सेम है, सामान्य है, बस हमारा एटीट्यूड उन्हें डिफरेंस कर देता है। साथियों, इस डिफरेंस से हमें बचना है और इस डिफरेंस को बचाकर एक मूर्ति बंद करके किसी एक बैनर के नीचे, मैं कहता हूँ आज पूरे देश में प्रेम जी ने जो जागरूकता की लोच जगाई है, हम उसको तहे दिल से समर्थन करें, उसका संगठन करें। मेरी आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीद है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप आगे भी भविष्य में इस सरकार को चेताने के लिए प्रेम जी का, अपना खुद का, अपने बच्चों का, अपने बच्चों के भविष्य का साथ दीजिए। नहीं तो दोस्तों, कल पेपर में भी कोई सरकारी कर्मचारी लिखने का कॉलम नहीं रहेगा, क्योंकि इस सरकार की चुनौती नीतिकरण है जो ये निजीकरण करने जा रही है। और पीएफ जो अब हम कहते हैं कि हम परमानेंट हैं, हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको ये सांकेतिक हमारे इशारा मिला है
कि उसको भी किसी बड़े दलाल के साथ गिरवी रखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस गिरवी रखने से हमें अपने पैसों को बचाना होगा, हमें पुरानी पेंशन के साथ साथ हमें अपने हकूक भी वापस लेने होंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।